सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बिहार राज्य के कैमूर जिला के कुदरा प्रखंड क्षेत्र के फकराबाद गांव में बाहर से जब आए प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन नहीं किया गया तो गांव वालों ने एक आंगनबाड़ी केंद्र में सभी मजदूरों को क्वारंटाइन करा दिया और गांव वाले ही सभी प्रवासी मजदूरों को चंदा इकट्ठा कर भोजन देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद खुले में शौच के लिए उन्हें जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि सभी लोगों को प्रखंड मुख्यालय पहुंचाया गया था, लेकिन प्रशासन जांच कर होम क्वारंटाइन के लिए बोल दिया था, जबकि मजदूरों के घर में क्वारंटाइन के लिए जगह नहीं थी, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र में करना पड़ा सभी लोगों को क्वारंटाइन। ना ही कोई जिला प्रशासन मदद करने पहुंची, ना ही पंचायत जनप्रतिनिधि, मुखिया भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आए। ग्रामीणों ने डर के माध्यम से अपने को सुरक्षित रखने के लिए यह कार्य किया है। कैमूर मोहनिया से विवेक सिन्हा की रिपोर्ट। लोग अपने ही से मान ले कि अपना व्यवस्था बनाकर रखे हुए हैं और वो लोग हर व्यवस्था हम लोग अपने से खुद कर रहे हैं लोगों का और सरकारी व्यवस्था कोई इन लोगों को माने नहीं मिल पाया है। ये घनी आबादी है। हाँ, यहाँ घनी आबादी है, गरीबी तबका है, मान ले गरीब लोग हैं। चंदा इकट्ठा करके खाना दिया जाता है। हाँ, चंदा इकट्ठा करके हम लोग खाना अपना इकट्ठा कर देते हैं। ये लोग तीरपुर से आए हैं, रेड जोन से आए हैं। ये लोग आने से पहले हम लोग को फोन किए हैं कि हम लोग आ रहे हैं गांव पे, हमको रहने के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए। तो हम लोग बोले कि ठीक है, तुम लोग आओ। हम लोग के गांव के बाहर एक पुसौली स्टेशन है, हम लोग बोले वहीं पर आके रुकने का। हम लोग कुछ बात करते हैं मुखिया जी से, तो हम लोग अपने वार्ड के माध्यम से मुखिया जी से बात किए। मुखिया जी भेजे ब्लॉक पे, ब्लॉक पे ये लोग जाके अपना से जहाँ चेकिंग हो रहा है तो वाले चेक वो कराए, तो वो लोग यही बोले कि आप लोग अपने अपने घर जाओ, घर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना और बस इतना ही बोले वो लोग। अब बोल कर ये लोग आके यहीं पर रहे, तो हम लोग को अपना डर सताया। तो हम लोग बोले कि चलिए हम लोग अपना कुछ व्यवस्था करते हैं, खुद मिल के हम लोग व्यवस्था किए। आंगनबाड़ी केंद्र है जो भाड़े पर है, आंगनबाड़ी केंद्र है जो भाड़े पर, उसको हम लोग स्कूल अभी बंद है ना, तो हम लोग इन लोगों को क्वारंटाइन में उसी पर रख दिया है। खाना पीना जो है हम लोग अपने घर से दे रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं है।